Hello everyone, my name is Shipra. Welcome to Medipedia. Medipedia is a government licensed company. इस वीडियो में मैं आपसे MBBS in Russia के बारे में बात करूंगी कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हाउ इज रशिया फॉर MBBS एंड कौन से पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है बिफोर कि आप रशिया में एडमिशन रहे और मैं आपसे टॉप मोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर आप मिस ना कर दें. And do subscribe our channel so that you always get the latest updates about MBBS in India and abroad. चलिए बात करते हैं रशिया के बारे में. रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इसका कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल. ओके, अगर मैं MBBS की बात करूँ, स्टूडेंट्स इफ यू आर एबल टू सिक्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया, गो फॉर इट. अगर आपको इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिला, देन आप रशिया के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटीज आर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड. अगर आपने MBBS रशिया से किया है तो MCI अप्रूव्ड है, WHO यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है, वर्ल्ड रैंकिंग रशिया की यूनिवर्सिटीज की काफी अच्छी है, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं. दूसरा ये है कि जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत लो है एज कम्पेयर टू इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस. इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस में फीस 80 लाख 1 करोड़ तक चला जाता है, जबकि रशिया की ट्यूशन फीस 18 लाख से 27 लाख तक के लगभग रहेगी फॉर 6 इयर्स. सो दैट इज वेरी चीप एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया. थर्ड इज रशियन करिकुलम फॉलोज द यूरोपियन स्टैंडर्ड. जो टीचिंग मेथड्स हैं, फैकल्टी सिस्टम, दैट इज वेरी आई ओपनिंग एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस. द मेडिकल प्रैक्टिसेस ओवर देयर, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, देन टीचिंग प्रैक्टिसेस, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ऑल आर अमेजिंग. सो यू विल गेट अ ग्रेट एक्सपोजर ओवर देयर एंड द लेटेस्ट टीचिंग एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज ओवर देयर. फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, दे फोकस ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ऑलरेडी उनका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे टीच करना है और कैसे चीज़ों को सिंपल वे में करके टीच करना है. दे ऑलरेडी नो, सो इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न ओवर देयर. एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द लाइब्रेरीज ओवर देयर, दैट आर अमेजिंग. लेबोरेटरीज की बात करूँ तो सिमुलेशन सेंटर्स हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, ह्यूमन रोबोट्स आर देयर इन मेनी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे ना आपको पहले रियल रोबोट्स पे प्रैक्टिस करवाया जाता है, देन यू कैन प्रैक्टिस ऑन द ह्यूमन बॉडीज. सो दैट इज अ गुड एक्सपोजर जो शायद आपको कहीं पे नहीं मिलेगा. सो दिस इज द गुड पॉइंट ऑफ रशिया. वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और किस एनवायरमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत अच्छा है रशियन यूनिवर्सिटीज में. एंड इफ आई से इंडियन हॉस्टल्स आर अवेलेबल एंड इंडियन फूड इज अवेलेबल, सो इट्स वेरी कम्फर्टेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड इट्स वेरी सिक्योर ऑल्सो. इट्स अ वेरी सिक्योर कंट्री एंड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टडिंग ओवर देयर. बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से MBBS कंप्लीट करके आज हॉस्पिटल्स में भी इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं. इनफैक्ट इस बार MD एडमिशन्स में भी आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द MBBS इन रशिया एंड नाउ दे आर परसुइंग PG इन इंडिया. सो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. फ्रेंड्स मैं अभी आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर आप रशिया में एडमिशन लें. पहला है क्लाइमेट. रशिया इज अ कोल्ड यूरोपियन कंट्री, तो वहाँ पे विंटर्स में टेम्परेचर -20 डिग्री से चला जाता है. इट्स ईजी टू अडेप्ट ओवर देयर. मैं खुद यूरोप में रही हूँ बहुत साल तक, -15 तक मैंने भी देखा है, तो मुझे तो इंडिया की विंटर से ज़्यादा भी बाहर स्पेंड करना ईजी लगता है, क्योंकि रूम हीटेड रहता है, क्लासेस हीटेड रहती हैं, ट्रैवलिंग बसेज, एवरीथिंग इज, ट्रेन्स आर हीटेड, तो इट्स ईजी टू अडेप्ट. बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि आप एक कोल्ड कंट्री में जा रहे हैं. दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ MBBS कोर्स ओवर देयर इज 6 इयर्स, विच इज 1 ईयर मोर देन इंडिया. देन चूजिंग द यूनिवर्सिटी डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रशिया में फुल टाइम इंग्लिश कोर्स भी है जिसमें आपका जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं और एग्जाम्स हैं वो इंग्लिश में होंगे फॉर 6 इयर्स. बट येस, आपको रशियन सीखना पड़ेगा. क्यों सीखना पड़ेगा? बिकॉज लोकल पेशेंट्स तो इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, दे डोंट अडेप्ट इंग्लिश, सो आपको लोकल लैंग्वेज में ही बात करना होगा. बट येस, आपको रशियन लैंग्वेज की कोचिंग हर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है, सो इट्स ईजी फॉर यू टू अडेप्ट द रशियन कल्चर एंड रशियन लैंग्वेज.
बट अगर मैं बायलिंगुअल कोर्सेज की बात करूँ, वहाँ पे 2 years तक आपकी जो स्टडीज है वो इंग्लिश में होगी एंड देन आपका एग्जाम्स भी इंग्लिश में होगा, बट फॉर नेक्स्ट 4 years योर एग्जाम्स एंड योर टीचिंग विल बी इन रशियन एंड स्टूडेंट्स डोंट गो फॉर इट. बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ, लेट्स से कि मैंने पूरी अपनी पढ़ाई इंग्लिश में की है, ठीक है, आज मैं हिंदी आपके सामने बोल भी पा रही हूँ और मुझे लिखनी भी आती है, पर क्या मैं एग्जाम हिंदी में दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत डिफरेंट है. मुझे हिंदी के वो वर्ड्स पता ही नहीं होंगे जो एक्चुअली साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं. तो इट्स वेरी इजी टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज, इन द न्यू लैंग्वेज विच यू विल लर्न द रशियन लैंग्वेज, बट एग्जाम देना ईजी नहीं है. इंडिया में बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज का बहुत प्रमोशन हुआ है, बहुत कंसल्टेंट्स वही आपको ऑप्ट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि उनका ट्यूशन फी आई नो कम होता है, बट एजुकेशन क्वालिटी भी जो आपको इंग्लिश यूनिवर्सिटीज में मिलेगा वो बहुत अच्छा है. देन लैंग्वेज कम्फर्टेबल एंड द एक्सपोजर विच यू विल गेट इन इंग्लिश यूनिवर्सिटीज विल बी वेरी हाई. आपका ये डिसीजन डिसाइड करेगा कि आगे आपके 6 साल कैसे जाने वाले हैं और आपकी MBBS कैसे जाने वाली है. तो चूज वाइजली, ओके. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द करियर ऑप्शंस आफ्टर डूइंग MBBS ओवर देयर. फर्स्ट इज, येस, यू कैन गो फॉर जॉब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. यू कैन वर्क इन UK, यू कैन वर्क इन US, यू कैन वर्क इन इंडिया. आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं. यू कैन डू क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, यू कैन डू रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स ओवर देयर. आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. देन यू कैन परस्यू PG इन रशिया ऑल्सो, यू कैन परस्यू PG इन इंडिया, यू कैन परस्यू PG इन US, UK बाय गिविंग देयर एंट्रेंस एग्जाम्स ओवर देयर. तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं. तो करियर ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं रशिया में. इनफैक्ट ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो MBBS किया है जिन्होंने रशिया से, वो इस साल PG के लिए इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं. आई हैव टॉक टू मेनी स्टूडेंट्स ऑफ अस, so it's a good opportunity. Now I will discuss about the top most medical universities there in Russia. Comment on the video or you can visit our website www.medipediaoverseas.com. Also you can call us at 7804978049. Thank you so much for watching. Have a great day.